नमस्कार, सी न्यूज भारत के इस न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पवन शर्मा। इस बुलेटिन में बात करेंगे आगर मालवा की, जहां बीएमओ द्वारा निजी क्लिनिकों पर की गई कार्रवाई को सीएमएचओ ने बताया अवैध। आगे बात होगी भोपाल की, जहां कांग्रेस महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष विभा पटेल ने राज्यपाल के नाम दिया ज्ञापन। साथ ही आगे चर्चा करेंगे मोतिहारी की, जहां सरपंच पर जानलेवा हमला करने वाले अपराधी हुए गिरफ्तार। इन तमाम खबरों पर बात होगी विस्तार से, तो आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। जिले के सुसनेर तहसील में गद्दिन सुसनेर सिविल अस्पताल में पदस्थ मुख्य खंड एवं चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर राजीव बरसाना के द्वारा निजी क्लिनिकों का आकस्मिक निरीक्षण कर कार्यवाही करते हुए बिना लाइसेंस क्लिनिक संचालित करने पर बंद कराया गया था। जब ये मामला सीएमएचओ डॉक्टर राजेश गुप्ता के संज्ञान में आया, तो उन्होंने इस पर कहा कि सुसनेर बीएमओ द्वारा मुझे इसकी सूचना नहीं दी थी कि वह निरीक्षण के लिए जा रहे हैं, और ना ही उनको शासन द्वारा प्राधिकृत अधिकारी बनाया गया है। साथ ही कहा कि ये कार्यवाही अवैध व अनाधिकृत है। इस पर मेरे द्वारा बीएमओ डॉक्टर राजीव बरसाना को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। मुझे बीएमओ द्वारा इसमें ना तो लिखित रूप से या मौखिक रूप से मुझे कोई सूचना प्राप्त नहीं थी कि हम लोग ऐसा निरीक्षण करने जा रहे हैं। दूसरा बात कि शासन स्तर से जो प्राधिकृत अधिकारी को बनाया गया है, उसमें प्राधिकृत अधिकारी जिला स्तर पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी होता है, या फिर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा नॉमिनेटेड अधिकारी होते हैं। तो फिलहाल मेरे पास सूचना नहीं थी, तो हमने नॉमिनेट नहीं किया है। तो ये अगर हमने किया है, तो उसके संबंध में हमने उन्हें कारण बताओ नोटिस भी जारी किया है, क्योंकि ये जो कार्रवाई इन्हें की है वो अनाधिकृत रूप से और अवैध है। तो इस तरह से कार्रवाई नहीं की जाना चाहिए। अगर वो गलत भी हैं, तो नियमानुसार वो हमसे आवेदन दें। आवेदन देने के बाद हम उसे प्राधिकृत करेंगे, हम एक संयुक्त दल बनाएंगे। दल देने के बाद अगर वो फर्जी है तो उसके ताला लगा दें, लेकिन ये सब प्रोसीजर को पूरा ना करते हुए उन्होंने डायरेक्ट उस पर ताला लगा दिया, जो कि गलत है। इसके लिए हमने कारण बताओ नोटिस इशू किया। ये कम से कम 10 से 15 वहाँ पर ऐसे क्लिनिक है, जैसे बीएमएस डॉक्टर्स भी हैं या दूसरी पेथी में जिस पेथी के डॉक्टर हैं, और जिसने हमने आवेदन किया था, हमने उसी पेथी में उनको परमिशन दी है। अब अगर कुछ बचते हैं तो हम कार्रवाई करेंगे, लेकिन नियमानुसार कार्रवाई करना उचित होगा। आगर मालवा से सीनियर संवाददाता अर्श अहमद कुरैशी की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के सागर के खुरई में हुई घटना को लेकर मध्य प्रदेश महिला कांग्रेस के अध्यक्ष विभा पटेल ने कहा कि इस पूरे मामले में पीड़ित के साथ छेड़छाड़ की घटना हो रही थी, और जब उसने उसका विरोध किया तब उसे एम्बुलेंस से धक्का देकर मार दिया गया, और इस पूरी घटना का जो गवाह था उसका चाचा उसे भी मार दिया गया। उसके एक भाई को मारा गया और दूसरे भाई की पिटाई की जा रही थी, और जब उसकी माँ इस पूरे मामले में बीच बचाव करने गई तो उसे निर्वस्त करके गाँव में घुमाया गया। आखिर कैसा जंगल राज मध्य प्रदेश में चल रहा है? यदि कोई आवाज़ उठाता है तो मुख्यमंत्री इस पूरे मामले में चुप बैठे हैं। इससे स्पष्ट है कि मध्य प्रदेश में जंगल राज चल रहा है। महिला अत्याचार में मध्य प्रदेश नंबर एक पर पहुंच चुका है, और मुख्यमंत्री महिलाओं की स्थिति पर ध्यान नहीं दे रहे। इसका जवाब महिलाएं मुख्यमंत्री से लेंगी। मध्य प्रदेश के राज्यपाल को इस पूरे मामले में संज्ञान लेकर कार्यवाही करनी चाहिए, क्योंकि मुख्यमंत्री इस पूरे मामले में कोई कार्यवाही नहीं कर रहे हैं। लगातार छेड़छाड़ की घटनाएं हो रही थी, उसने इसके खिलाफ आवाज उठाई, लेकिन उसका नतीजा ये हुआ कि उसे ही धक्का देकर, एम्बुलेंस से धक्का देकर मार दिया गया। जो इस घटना का गवाह था उसका चाचा, उसे भी मारा गया। उसके भाई को, एक भाई को मारा गया और दूसरे भाई की पिटाई की जा रही थी। जब उसकी माँ बचाने गई तो उसे निर्वस्त करके घुमाया गया। आखिर ये कैसा अंधा राज मध्य प्रदेश में चल रहा है? यदि कोई आवाज उठाता है तो बजाय उसकी शिकायत सुनने के मुख्यमंत्री चुप बैठे हैं। इससे यह स्पष्ट है कि आज मध्य प्रदेश में जंगल राज चल रहा है। महिला अत्याचार में मध्य प्रदेश नंबर एक पर पहुंच चुका है, और मुख्यमंत्री महिलाओं की ओर ध्यान नहीं दे रहे। इसका जवाब महिलाएं उनसे लेंगी, लेकिन हमारी राज्यपाल महोदय से ये कहना है कि राज्यपाल जी को इस पर संज्ञान लेते हुए कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि मुख्यमंत्री इस पर ना तो संज्ञान ले रहे हैं और ना कार्रवाई कर रहे हैं, और पीड़ित परिवार को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाना चाहिए। भोपाल से सीनियर संवाददाता मनीष वर्मा की रिपोर्ट। रिकॉर्ड तोड़ गर्मी के बीच गुना शहर में जल संकट गहराता जा रहा है, जिसमें कॉलोनियों में लगे हुए बोर से पानी निकलना भी बंद हो रहा है। नलों में पानी नहीं आ रहा है, और टैंकरों से पानी की पूर्ति करने में
नगरपालिका में बैठे जिम्मेदार अब असमर्थ होते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में रहवासियों का गुस्सा उजागर होना लाजमी है, जिसमें आज शहर के वार्ड नंबर 11 और 13 के तलैया मोहल्ला, शिंगा चौराहा सहित कुछ हिस्से में पानी की समस्या से जूझ रहे लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। लोगों ने यहां सड़क पर उतरकर नगरपालिका और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए खाली बर्तन सड़क पर रखकर विरोध स्वरूप मार्ग बंद कर दिया। दोनों वार्डों के पार्षद भी मौके पर पहुंचे, लेकिन उनके पास भी इस समस्या के समाधान का कोई संतोषजनक जवाब नहीं था। क्या समस्या आ रही है यहाँ पे? वार्ड नंबर 11 और 13 लगता है ये काफी समस्या है, दोनों वार्डों के बीच में ये पट्टी लगी हुई है और आज 5 दिन से लगातार पानी नहीं आ रहा है। मैंने संचित जी को आज सुबह बात हुई मेरी 7 बजे, तो उन्होंने पूछा पानी का कोई टाइम नहीं है, आज पानी का बात पूछना पार्षद जी गई। मेरी जनता मुझसे पूछ रही है आज नल कितने बजे आएंगे, तो उन्होंने उनका कोई जवाब नहीं दिया। ये बात आपने किससे बोला? जो प्रभारी है संचित प्रभारी है पीएचई का, उससे मेरी बात सुबह 7:15 बजे हुई थी आज। जनता के मेरे पास फोन आए 50, उसके बाद मैंने उनसे बात की प्रभारी से, प्रभारी ने कहा आज पानी का कोई टाइम नहीं है, पार्षद जी पानी की बात मत करना, पानी कब आएगा टाइम नहीं बता सकता मैं, आएगा जरूर लेकिन पानी नहीं बता सकता कब आएगा मैं। कारण क्या है पानी नहीं आएगा? उनसे नहीं पूछा कारण क्या है पानी नहीं आएगा? मैंने पूछा ना, तो वो आज बोल रहे रात को लाइट नहीं है या पनडुब्बी द्वारा हम दूसरी जगह लगाई जा रही है नगर पालिका द्वारा, जहाँ पानी नहीं है और सिंध में पानी नहीं है, हम पानी की व्यवस्था कर रहे हैं, ये उनका बोलना था। तो आज मोहल्ले वालों ने जहाँ पे रास्ता रोका है, जनता तो लगाएगी, जनता को पानी चाहिए, जनता के घर पे पानी नहीं है बिल्कुल, आज 5 दिन से जनता और बराबर लगाएगी जनता। तो यहाँ पे कितने ट्यूब वेल है दो वार्डो में अभी? या दो वार्डो में शायद उधर अपना क्राइस्ट स्कूल के पास में सिर्फ 2 ट्यूबवेल है, बाकी इधर आसपास में कोई ट्यूबवेल नहीं है, ये टंकी द्वारा सप्लाई हो जाता है, अनमंडा टंकी है ये पानी वाली। ऐसे मोहल्ले वालों का कहना है कि हैंडपम्प भी खराब पड़ा हुआ है, खराब पड़ा है, अगर ये सुधर जाए तो इससे बिल्कुल ऑप्शन पानी मिलता है, उसमें अगर सुधर जाता है पानी में काम चलता है, लोग आओ जनता का। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ब्रजेश राठौर, वार्ड नंबर 11 पार्षद। ये क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रमोद राठौर। कहाँ रहते हैं आप? पहले ही मोहल्ला छिंगा चौराहा। ये बताए क्या समस्या आ रही है? आप समस्या दिनों से नल नहीं आ रहा बिल्कुल भी, यहाँ पे आगे के मरगढ़ सैला के उधर पूरे नल चलते हैं, इधर आगे पानी आता नहीं है। पार्षद से कहते हैं, वो भी उनको कहते हैं, अधिकारी उनकी नहीं सुनवाई कर रहे हैं, उनसे बेचारे उनसे कुछ कह नहीं सकते। टैंकर की समस्या भी यहाँ पूरे मोहल्ले में 5-6 टैंकर लगते हैं, यहाँ पे एक टैंकर आता है केवल, एक टैंकर में लड़ाई हो रही है, पानी मिलता नहीं है। नगर पालिका भी फोन लगा रखा है, कोई फोन नहीं उठाते वहाँ से कोई भी अधिकारी वहाँ पे। ऐसे कितने लोग परेशान हैं आप? परेशान है लगभग कितने लोग? 1000 से 1200 आदमी परेशान है यहाँ पे, 2-3 दिनों बिल्कुल पानी नहीं आ रहा। तो आज क्या क्या किया अगर आपने? आज चक्कर पानी मुंह धोने तक पानी नहीं, पानी तक नहीं बिल्कुल, आज बिल्कुल पानी नहीं, 3 दिनों से बिल्कुल नल नहीं आ रहे। आप हेडपम्प चला रहे थे, काफी चला रहे हैं भाई साहब? 2 घंटे हो गए चलाते चलाते जी, इसमें 1 बाल्टी पानी 1 गिलास पानी नहीं आया अभी तक। अच्छा, क्या ये जे सूख गया क्या, खराब हो जे? जी बता क्या समस्या आ रही है? पाइप टूट रहे हैं, पाइप बदले जाएंगे ना फिर जाओ, पाइप चालू जाएगा, पानी उतर जाता है उसका, पाइप बदले होंगे, पाइप डल जाओ 3-4 और चालू जाएगा। गुना से सीनियर संवाददाता सोनू श्रीवास्तव की रिपोर्ट। पकड़ीदयाल थाना के थरबिटिया पंचायत के सरपंच सुरेंद्र प्रसाद पर जानलेवा हमला करने वाला एक अपराधकर्मी रविंद्र सहनी को 3 देसी कट्टा, 1 फसली, 1 चाकू, 2 मोबाइल एवं 1 मोटरसाइकिल के साथ पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में रविंद्र सहनी ने बताया कि जमीनी विवाद को लेकर गांव के नागेश्वर प्रसाद ने सरपंच की हत्या कराने की योजना बनाई थी। इसके लिए जब सरपंच सुरेंद्र प्रसाद मधुबन से घर के लिए चले तो टीकम गाँव से उनकी रैंकिंग की गई। मझौलिया पुल के पास पहुंचने पर ओवरटेक कर रोक कर कट्टा से वार किया गया, गोली एक किच करने पर फसूली चाकू से वार किया गया। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि नागेश्वर प्रसाद और सरपंच सुरेंद्र प्रसाद के बीच 10 कट्टा जमीन को लेकर करीब 3 साल से विवाद चल रहा है। वहीं सरपंच सुरेंद्र प्रसाद की स्थिति ठीक है। पकड़ीदयाल अनुमंडलीय अस्पताल के डॉक्टर ने मंगलवार को मोतिहारी सदर अस्पताल में रेफर कर दिया था। वहीं डीएसपी सुबोध कुमार ने प्रेस वार्ता कर बताया कि मंगलवार को मझूलिया पुल के पास 2 अपराधकर्मियों ने देसी कट्टा का भय दिखाकर थरबिटिया पंचायत के सरपंच सुरेंद्र प्रसाद पर जानलेवा हमला करने का मामला सामने आया था, जिसको लेकर थाना अध्यक्ष शकुंतला कुमारी एवं पीएसआई राजेश कुमार ने कांड में संलिप्त एक अपराधकर्मी रविंद्र सहनी को 3 देसी कट्टा
एक बाइक, एक फसूली आदि के साथ गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। अन्य अपराध कर्मी की जल्द गिरफ्तारी कर ली जाएगी। हरबटिया सरपंच जिनका नाम सुरेंद्र प्रसाद है, उनको मझौलिया पुल के पास दो अपराध कर्मियों के द्वारा देसी कट्टा का भय दिखाकर जानलेवा हमले करने का प्रयास किया गया था, जिस संबंध में पकड़िया थाना में 128/24 केस दर्ज किया गया। पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार उपकांड में संलिप्त अपराध कर्मी रविंदर सैनी, पिता दरोगा सैनी को थानाध्यक्ष पकड़ीदयाल एवं सब इंस्पेक्टर राजेश कुमार के द्वारा गिरफ्तार किया गया और घटनास्थल के पास से एक फसली, एक चाकू, 3 देसी कट्टा, 2 मोबाइल, 1 पर्स और घटना में प्रयुक्त 1 मोटरसाइकिल जब्त किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त जो रविंदर सैनी है, उससे पूछताछ में उनके द्वारा बताया गया कि इनके साथी नागेश्वर प्रसाद, पिता मनारसी साहब जो कि मझौलिया के रहने वाले हैं, इनका जमीनी विवाद सुरेंद्र प्रसाद जो कि थरबिटिया पंचायत के सरपंच हैं उनसे चल रहा था, उसी को लेकर ये हमला किया गया था कि इनको मारने का योजना इन दोनों के द्वारा बनाया गया था। घटना में जो संलिप्त अन्य अपराधकर्मी जो नागेश्वर प्रसाद हैं, उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। लगभग सर कितने जमीन थे, कितने अपराधी थे? लगभग प्राथमिकी में 2 अपराधकर्मी के बारे में बताया गया है और अन्य 5 अज्ञात अपराधकर्मी के बारे में बताया गया। अभी तक के अनुसंधान में हम लोग को 2 अपराधकर्मी के बारे में पता चला है, जिसमें से 1 को गिरफ्तार किया गया। मोतिहारी से सीनू संवाददाता चंद्रिका सिंह की रिपोर्ट। जनकल्याण व नवग्रह शांति हेतु सामूहिक अनुष्ठान कर हत्या हरण तीर्थ पर बड़े मंगल को हवन पूजन के साथ विधि पूर्वक हवन समाप्त हुआ। बता दें कि पंडित सर्वेश तिवारी माधव के द्वारा संपन्न हुआ। प्रमुख आचार्य पंडित श्रीधर पांडे के साथ समस्त देवी देवताओं का आवाहन व हवन के साथ संपन्न हुआ। हवन पूजन के उपरांत भंडारे का प्रसाद वितरित किया गया। इस मौके पर शिव स्वरूप सिंह उर्फ बउवन, देशराज सिंह, अशोक पांडे, कौशल आदि सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद रहे। हरदोई से सीनियर संवाददाता रामकृष्ण मिश्रा की रिपोर्ट। जिले में एक रिटायर्ड सरकारी शिक्षक को ब्याज पर रुपए उधार देना भारी पड़ गया। शिक्षक ने जब आरोपी युवक से उधारी के रुपयों का तगादा किया तो आरोपी युवक ने शिक्षक की गला दबाकर हत्या कर दी। मामला धौलपुर जिले के सरमथुरा थाना इलाके के साहनी पाड़ा मोहल्ले का है, जहां का रहने वाला रिटायर्ड सरकारी शिक्षक सतीश कुमार पुत्र रामचरण शर्मा जरूरतमंद लोगों को ब्याज पर रुपए और उधार देता रहता है। सरमथुरा कस्बे के सती चौक का रहने वाला राजू उर्फ राजुद्दीन पुत्र पप्पू खान और उसके बड़े भाई नसरू की हनुमान गली में मोबाइल की दुकान है। राजुद्दीन शिक्षक सतीश से ब्याज पर रुपए उधार ले जाता था और वह करीब 4 बार रुपए उधार लेकर गया था। आखिरी बार राजुद्दीन जब रुपए उधार लेकर गया तो उसने रुपए वापस नहीं किए थे। इस पूरे मामले को लेकर थाना अधिकारी ने क्या कुछ जानकारी दी है, आइए आपको सुनवाते हैं। आज आपके द्वारा मुझे क्या कार्रवाई की गई है? दिनांक 25/4/24 को सरमथुरा कस्बे के रिटायर्ड शिक्षक की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो गई थी, जिस पर परिजनों को संदेह था। जिसके बाद FSL टीम, डॉग स्क्वाड व मानवीय सूचना संकलन तकनीकी सहायता से मामले का खुलासा करते हुए कस्बा निवासी युवक राजू पुत्र पप्पू जाति मुसलमान को गिरफ्तार किया गया। अभी मुलजिम PC रिमांड पर चल रहे हैं और जो भी आगे इन्वेस्टिगेशन में आएगा वह अवगत करा दिया जाएगा। धौलपुर से सीनियर संवाददाता अनूप शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हक।